जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। तमाम मेरे सैनिक भाइयों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। और आज की इस वीडियो के अंदर दो बहुत महत्वपूर्ण खबरों के ऊपर मैं जानकारी दूंगा और चाहूंगा कि पूरी वीडियो को, मतलब इस वीडियो को जो है पूरा देखिए, तभी आपको वो पूरी जानकारी मिल पाएगी। क्या वो दो जानकारियां हैं, दो महत्वपूर्ण जानकारियां आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हर महीने मिलेंगे अब 3,000 रुपए ज्यादा मिलेंगे और सालाना लगभग 72,000 रुपए तक का जो है उसमें फायदा होने वाला है। पहला इस जानकारी के ऊपर बात करेंगे। दूसरा, फैमिली पेंशनर्स को मिले पूरी पेंशन, क्योंकि फैमिली पेंशनर्स की जब एक्स सर्विसमैन की जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो है उसकी 60% तक की जो है पेंशन जो है वो कम कर दी जाती है। इसके ऊपर दोबारा से अब मांग उठने लगी है। तो इन दो विषयों के ऊपर जो है पूरी बात करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। और देखिए, अभी पहली जानकारी यहां पर है कि जो हमारी दिव्यांग महिला कर्मचारी हैं, उनको अब उनको सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा और अच्छा फैसला उठाया है, कदम उठाया है, जिसके अंदर उनको हर महीने 3,000 रुपए ज्यादा मिलेंगे। वो अगर शादीशुदा है और उसको जो बच्चा है तो 2 साल तक उसको हर महीने सरकार की ओर से 3,000 रुपए प्रति माह का जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा उसके बच्चे के पालन पोषण के लिए या हर चीज की जिस भी तरह की उसको जरूरत होती है। क्योंकि एक जो महिला सशक्ति, महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो दिव्यांग महिलाएं हैं, जो दिव्यांग कर्मचारी हैं, जो दिव्यांग महिला कर्मचारी हैं, उनको शादीशुदा हैं और उनका बच्चा है तो उनको 3,000 रुपए सरकार की ओर से हर महीने एक्स्ट्रा मिलेगा। और ये वाकई एक बहुत अच्छा कदम है, ताकि जो दिव्यांग महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अब दूसरी खबर के ऊपर बात करते हैं। देखिए, दूसरी खबर के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि जब हम किसी भी एक्स सर्विसमैन की डेथ होती है तो उसकी जो फैमिली पेंशन है वो 60% तक कम हो जाती है, और जबकि ये गलत है। हालांकि इसकी आवाज अनेकों बार उठ चुकी है। एक बार फिर से जनरल सतवीर साहब ने ट्वीट किया है, और क्या ट्वीट किया है वो मैं आपको बताऊंगा। इस फैमिली पेंशन को लेकर के जो कम किया जाता है 60%, उसको लेकर के जनरल सतवीर साहब ने क्या ट्वीट किया वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, उन्होंने लिखा है, जब एक्स सर्विसमैन समाप्त हो जाता है तो उसकी विडो पेंशन 60% तक कम हो जाती है। हालांकि एक्स सर्विसमैन की पत्नी अपने पति से पहले मर जाती है तो एक्स सर्विसमैन की पेंशन कम नहीं होती है। मतलब जब अगर एक्स सर्विसमैन, मतलब जो घर का मेन मुखिया है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर पूरा परिवार का निर्भर करना रहता है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो 60% तक की उसकी पेंशन कम कर देती है। सरकार को लगता है कि अब उसके खर्चे जो हैं, परिवार के खर्चे कम हैं, क्योंकि एक्स सर्विसमैन की डेथ हो गई है तो 60% तक कम हो जाती है। लेकिन अगर दूसरी स्थिति में उसकी जो पत्नी है, अगर वो पहले डेथ कर जाती है तो पेंशन 60% जो कम होती है, वहां पर किसी भी तरह की पेंशन की कटौती नहीं की जाती है। उसी के अंदर आगे लिखा है, यह घोर भेदभाव है। सरकार का यह तर्क कि पारिवारिक खर्च कम हो जाता है वास्तविक स्थिति के विपरीत है। मतलब वास्तविक स्थिति को देखें तो यह बिल्कुल अलग है, जबकि खर्चे कम नहीं होते, खर्चे बढ़ जाते हैं। दूसरा, उसे अकेले अपने परिवार के भरण पोषण में अत्यधिक कठिनाइयों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उसके खर्चे बढ़ जाते हैं। उसे सरकार और समाज से देखभाल और करुणा की जरूरत होती है। मतलब जब एक एक्स सर्विसमैन की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उस विधवा महिला को या उस वीर नारी को सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि सरकार और समाज से उसको सहयोग मिले, उसको करुणा मिले, ताकि उसका जो भरण पोषण है वो अच्छे से चल सके। आगे लिखा है, इंडियन एक्स सर्विसमैन ने एक्स सर्विसमैन पेंशन के बराबर विडो पेंशन की राशि बढ़ाने के लिए सरकार के समक्ष मुद्दा उठाया था, लेकिन कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। सेवा मुख्यालय ने भी इस मुद्दे को सरकार के समक्ष उठाया था, लेकिन इस पर सहमति नहीं बनी। सरकार से पुनः विचार करने और विधवा पेंशन बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है, और यह अनुरोध किया है जनरल सतवीर साहब ने। हालांकि इन्होंने पहले भी इस चीज को लेकर के ट्वीट किया था कि जो विडो पेंशन है वो 60% जो कम की जाती है वो कम ना की जाए, क्योंकि उस इसको लेकर इससे संबंधित भी पहले भी जनरल सतवीर साहब ने ट्वीट किया था। अब देखना यह होगा कि इस ट्वीट के बाद
सरकार क्या एक्शन लेती है या सरकार जागती है या नहीं जागती, मैं भी अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि जो हमारी विधवा पेंशन है, जो फैमिली पेंशन है, उसको कम ना करके, क्योंकि कहीं ना कहीं खर्चे बढ़ते हैं और एक जो सहारा होता है परिवार का, जब वो चला जाता है तो कहीं ना कहीं जरूरतें ज्यादा बढ़ जाती हैं। इस वीडियो में यहीं तक जानकारी रखेंगे और ये जानकारी मैं चाहूंगा अपने तमाम सैनिक भाइयों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।